झाड़करी, अभी भी वो स्थल है, झाड़करी के जंगल में बनी में 56 वर्ष तक एक आसन से एक जगह रह करके उन्होंने जप किया, और 56 वर्ष तक उनका आहार केवल एक दोना छाछ और इतना गुड़ बस। नाम निष्ठा है तुलसीदास जी महाराज की, संतों में ऐसी प्रसिद्धि है कि उन्होंने नव नव का श्री राम नाम का संख्या पूर्वक जप किया था। कितना? नव नव का। नव नव का अर्थ क्या है? अब एक नवका की संख्या आप समझ लीजिए, कितना? 99,99,99,999,999। फिर से सुन लो, कितना? 99,99,99,999। इसको 9 से गुणा करो, इतनी संख्या में उन्होंने नाम जप किया। आप सीधे सीधे समझ लो 9 अरब के लगभग। आप लोग कहेंगे कि इतना जप कैसे संभव है? चलो, तुलसीदास जी की बात तो बहुत पुरानी है, ब्रज के एक संत की बात हम आपको बता रहे हैं। श्री गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव जी के पहले गऊघाट है, मानसी गंगा का गऊघाट। गऊघाट के निकट एक कनक भवन नामक जगह है, वहां एक संत विराजते थे पूर्व काल में, परम सिद्ध संत श्री राधेश्याम बाबा, उच्च कोटि के महात्मा थे, श्री रामानंद संप्रदाय के संत थे। उनका गुरु प्रदत्त नाम तो श्री सीताराम दास जी था। उन्होंने अपने अनुभव प्रकाश नामक ग्रंथ में, अनुभव वाणी में, अपने संबंध में स्वयं ही लिख दिया है हमारी गुरु परंपरा क्या है, हमारा कहाँ जन्म हुआ, हमें क्या अनुभूतियों ने खुद लिख दिया। और उस लिखने के पीछे उन्होंने हेतु भी लिखा है कि महात्माओं के मरने के बाद लोग तरह तरह की बातें कल्पना से करके लंबी चौड़ी करके लिखते हैं। मैं चाहता हूँ कि कोई झूठी बात मेरे पीछे लोगों के बीच में न जाए, इसलिए जो सही है उसको ज्यों की त्यों, बिना कुछ घटाए बढ़ाए, बिना किसी लाग लपेट के मैं लिख रहा हूँ। बड़े खरे महात्मा थे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को अपना गुरु मानकर और रामचरितमानस को गुरुवाणी मानकर उन्होंने साधन आरंभ किया। शास्त्री जी 108 दिन में 108 रामचरितमानस के पारायण किए, और ऐसी उनकी निष्ठा थी कि उनको बचपन में 108 दिन में 108 मानस जी के पारायण के फलस्वरूप साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्शन हो गया। और गोस्वामी जी ने कहा, आप राम नाम को महामंत्र मानते हो और हमें गुरु मानते हो, लेकिन मर्यादा यही है कि लोग तुमसे पूछेंगे कि तुम किसके शिष्य हो, तो हमारा नाम लोगे तो वो अनुचित होगा। विधि पूर्वक शरीर में विराजमान गुरु जी से ही दीक्षा लेनी चाहिए। तो गोस्वामी जी ने संकेत किया, अमुक संत से उन्होंने फिर दीक्षा ली।
और दीक्षा लेने के बाद ब्रज में ही झाड़करी, भरतपुर जिले में झाड़करी एक स्थान है, ब्रज क्षेत्र में ही आता है, वहां उन्होंने महामंत्र का जप आरंभ किया है। 24 घंटे में केवल एक दोना ब्रजवासियों के घर की छाछ पीते थे और इतना गुड़ खाते थे बस। कितने वर्ष जप किया, कितने वर्ष जप किया? 56 वर्ष। भैया जी, झाड़करी अभी भी वो स्थल है, झाड़करी के जंगल में बनी में 56 वर्ष तक एक आसन से एक जगह रह करके उन्होंने जप किया, और 56 वर्ष तक उनका आहार केवल एक दोना छाछ और इतना गुड़, बस यही उनका आहार रहा। उनकी प्राचीन चित्र छवि भी हमने देखी है, शरीर में हड्डी के अलावा कुछ है ही नहीं। महामंत्र का जप किया, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका उन्होंने जप किया, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसको 16 संख्या न मानकर एक माना। कितना माना? एक। और इस संख्या से उन्होंने 1 अरब जप किया। कितना जप किया? 1 अरब। कितने वर्ष लगे इस जप में उनको? 57 वर्ष लगे इस जप में उनको। उनके रोम रोम से महामंत्र प्रकट होने लग गया था। सेवा कुंज में महाराष्ट्र का उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने लिखा है महाराष्ट्र का दर्शन किया और श्री राधा रानी नृत्य करते हुए इष्ट सहचरियों के सहित आई, आप रास का दर्शन कर रहे थे, इसी वृंदावन की घटना है, और राधा रानी ने सिर पे हाथ धर के कहा बाबा अब तू राधे श्याम है जा, और उसके बाद अपने आप ब्रजवासियों में उनका नाम ही पड़ गया राधे श्याम बाबा। बाबा तो सीताराम दास थे, लेकिन सीताराम दास जी नाम तो हम बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि हमारे गुरुजी ने हमारा ये नाम रखा था। वस्तुतः पूरे ब्रज में राधे श्याम बाबा के नाम से वे प्रसिद्ध हुए। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जब आरंभिक काल में गिरिराज जी में आकर के निवास किया उन्होंने, तो महाराज जी को सर्वाधिक संग बाबा श्री राधे श्याम बाबा का ही प्राप्त हुआ। पूज्य पंडित जी महाराज ने भी उनका संग किया, ब्रज के सिद्ध संतों में उनकी गणना थी राधे श्याम बाबा। हम ये उदाहरण इसलिए आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि अब हमें सन तो याद नहीं किस सन में उनका निकुंज गमन हुआ, लेकिन अधिक से अधिक 60-65 वर्ष हुआ होगा, इससे ज्यादा पुरानी बात नहीं। और जब उस काल में एक महात्मा 1 अरब की संख्या में महामंत्र का 16 गिनती न करके 1 गिनती करके जप करते हैं, तो आप लोग विचार करें, नाम तो 16 है कि नहीं महामंत्र में? 16 नाम है कि नहीं? तो एक एक नाम की संख्या का विचार करो तो कितना हो गया? है 16 अरब हो गया। तो गोस्वामी जी ने राम राम यदि 9 अरब जप लिया तो इसमें आपको आश्चर्य होना नहीं चाहिए।